सिद्धार्थ नाम है मेरा। पहले मैं जब से सुन रहा था आपकी जी गठबंधन, अगर आप तो याद हो तो यूपी में भी गठबंधन हुआ था, उसमें भी सत्ताधारी पार्टी थी पहले अखिलेश यादव, जिन्होंने अब कुर्सी संभाली हुई है, पहले भी वो सत्ता में रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, और उनके साथ में वो आ गया था अजास भी साथ में था उनके, लोधल निर्माण पार्टी भी उनके साथ थी, तीनों का क्या हुआ, मेयर की 17 की 17 सीटें भाजपा ही आई हैं। तो पब्लिक ने तो इन्हें यही साबित कर दिया ना, चोर कौन है और सच्चा हिंदुस्तानी कौन है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं हम सब साथ में हैं और साथ में ही लड़ेंगे और मोदी जी को भगाएंगे। उनसे ये तो पूछिए आप, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं आपसे, प्रदेश में तो मुख्यमंत्री बना नहीं गया, प्रदेश में आपसे अपना एक मेयर तो लाया नहीं गया, आप पूरे देश में कहाँ से ला सकते हो यार। एक चिरट भी तो बताओ जो आपकी एक अपने दम पे कि ये चिरट हम निकाल के दिखाएंगे। आजम खा जैसे कि अपनी तो विधायक ही चली रही, वो चाहे पूरे वर्ल्ड तो इंडिया तो संभालेंगे, जब उनसे अपना प्रदेश ही नहीं संभला तो गठबंधन ये सब बेकार की बात है, ये कुछ भी नहीं है, ये अपनी पार्टी बंद करवाना चाह रहे हैं। आने वाले टाइम में मुझे लगता है 2024 में जब प्रधानमंत्री जी बनेंगे तो पब्लिक इन्हें खुद ही कह देगी जी अब अपनी पार्टी बंद कर दो, ये मुझे लगता है राष्ट्रीय अपनी सदस्यता ही ख़त्म करवाना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। और इससे भाजपा भारतीय जनता पार्टी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि इससे और ज़्यादा मजबूत हो जी। पहले वो जदे दिमाग लाती, अब सारे चोर एक साथ हो जाए तो एक ही जदे दिमाग लाजिएगा। और अब बात कर रहे हो आप नीतीश जी की कि उनका मॉडल दे बिहार मॉडल, तो आप गुजरात मॉडल जाते देखिए ना, मोदी जी प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री भी थे वहाँ के, उन्होंने हमेशा ये कहा है जिसे मेरे से तुलना करनी हो वो मेरा गुजरात आते, मेरा गुजरात देख ले। तो आप वो जाते दे दो ना मॉडल, योगी मॉडल देख लो आप यूपी में, पहले ये होता था। वो तो कह रहे नीतीश कुमार की बिहार ने देखा, अब देश देखेगा। बिहार में मैंने देखा है, बिहार में आप गुजरात जाके देखिए, वहाँ पे अगर आप रोड से भी जी चाटते हैं तो एक मिट्टी नहीं लगेगी। और बिहार में हर दीवारे आज भी दीवारें वहाँ की ऐसे पेंट हुई हैं गुटके और पानों से कि जैसे वाची पेंट कर रखता हो, तो क्या देखें बिहार में, जब गंदगी इतनी है मन ही नहीं करता बिहार जाने का। गुजरात मॉडल दे दो, हमारा यूपी मॉडल देखिए आप। अब गुजरात तो नहीं, ऐसा नहीं है, शुरुआत गुजरात से ही हुई थी, मदर अदर अब मायने में लगाया जाए तो गुजरात से ज़्यादा यूपी मॉडल हमारा। और ये कह रहे हैं वो चोरों से बचा रहे हैं हम, उन्होंने बर्बाद कर दिया देश। मुझे एक चीज़ भी तो ऐसी बताओ जिसमें बर्बाद कर दिया हो, पहले राशन में गेहूँ अनाज मिलता था सिर्फ, अब आज की डेट में ब्रेड मक्खन रिफाइंड तेल टूथब्रश टूथपेस्ट तक मिलना चालू हो गया, और कैसे बर्बाद कर दिया इन्होंने देश। आप एक भी चीज़ बताइए ना देश बर्बाद करने की, मुझे किसानों को कितना फायदा दिया है, सबसे बड़ी बात तो ये है बहुत फायदा, संविधान को खतरे में डाल दिया मोदी जी ने। संविधान तो ये खुद नहीं जानते, इनसे खुद पूछे आपने संविधान कितना पढ़ा और कितना देखा है। अतीत अहमद सबसे बड़ा मुद्दा था, अब की बार था सबसे बड़ा, वो किसके राज में पला था ये बता दीजिए ना। संविधान तो ये खुद ही नहीं जानते, इनसे पूछे संविधान का एस भी पता है आपको। मेरी पहले भी डिबेट हुई थी, मेरी यही बात हुई थी उनसे जी, ये संविधान ये जो बार बार संविधान करके इनसे पूछे संविधान का आप तो मतलब पता है, संविधान में ये लिखा हुआ कि आप न्यायालय बना हुआ है, प्रशासन है आपके सहयोग के लिए, आप उसमें ही अनाधुंध गोलियां मार रहे हो, प्रशासन तो मिट्टी समझ रहे हो, तो ये कहाँ का संविधान है भाई, ये संविधान में लिखा है। तो इनसे संविधान की तो आप उम्मीद ही मत करिए बिल्कुल भी, इनसे उम्मीद ही ना, बिल्कुल भी नहीं, संविधान की तो आप इनसे बिल्कुल ही ना करिए। वो तो कह रहे हैं मोदी जी ने खराब कर रखा है, देश को बर्बाद कर दिया, संविधान खतरे में है, सब चीज नहीं नहीं उसका मैं बताऊंगा ना, मोदी जी ने क्या संविधान ऐसे खतरे में डाल दिया, उन्होंने जो एक भी अधिकारी ऐसा बता दीजिए, एक भी अधिकारी, मैं जात पात की बात नहीं कर रहा, वो इनका काम है करना, एक भी ऐसा अधिकारी बता दीजिए जिसमें अब यूपी मॉडल में कोई अधिकारी में गोली लगी हो आईपीएस जैसे में, और इनके मैं 18 गिनवा दूं लाइन से, तो बताइए संविधान किसने खराब करा। ये सब फालतू की बातें, पब्लिक तो भ्रम में फैला रहे हैं, मतलब आज की डेट की पब्लिक बहुत पढ़ी लिखी और बहुत काबिल है, वो सब जानती है अब कौन नेता कैसा है, कैसा है, जब ही तो 17 में से एक भी सीट नहीं आ पाई, इससे बड़ा थप्पड़ विपक्ष के लिए और क्या बचा, बताइए आप मेरे को। अब कह रहे हैं एक है, एक साथ लड़ेंगे, एक साथ दिखाएंगे, ये 16-19 कह रहे हैं, या अगर 116 भी हो जाए, इनके बच्चे भी साथ में आ जाएं जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ही बोलूँगा मैं, आज आप यहाँ निकलिए रोड पे हमारे यूपी मॉडल में और देखिए। अच्छा ये बताइए, ये कह रहे हैं विकास वगैरह कुछ नहीं करा, बर्बाद करा, इनसे पूछिए आप तो पता रैपिड ट्रेन क्या है और कहाँ ही है। सबसे पहले अभी मैं परसों न्यूज़ देता रहा था, उसमें उनसे पूछा गया था डिम्पल यादव से कि मैडम रैपिड ट्रेन आई हुई है आप तो पता, उसका उद्घाटन है 23 में कि रैपिड ट्रेन, वो तो मेट्रो ही तो हुई, उन्हें ये तक नहीं पता रैपिड ट्रेन है क्या, जो आज गाजियाबाद यूपी में आई है सबसे पहले, जिससे अब शुरुआत होने वाली है अगले महीने से। तो ये विकास ही तो है और क्या है, जनता के प्रति
विकास ही तो है और क्या है। कहा केजरीवाल कहते थे मैं कुछ सुविधा नहीं लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना गनल लूंगा, ना बंगला लूंगा। आज एक चीज और मैं अब इस चीज पे जोड़ना चाहूंगा, केजरीवाल की बात करी आपने, केजरीवाल जी सबको चोर बताते थे, लालू प्रसाद यादव हो चाहे कांग्रेस हो चाहे जितनी भी पार्टियां थी सबको चोर बताते, आज उन्हीं के साथ जाके बैठ के खड़े बैठे हुए मीटिंगें कर रहे हैं। क्वेश्चन तो आप तो उनसे ही तो पुट अप करना चाहिए ना, जनता कैसे देखे? मैंने तो आप तो पहले बता दी ना, सारे चोर एक हो गए। मैं आप तो वही बताना चाह रहा था कि जब वो ये कह रहे थे ना मैं सुरक्षा लूंगा, ना सरकारी बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, अब आप ऐसे 15-20-25 करोड़ रुपए अपने बंगले में लगा रहे हो, 15-15 लाख रुपए जी आप कर्टेन लगा रहे हो, तो ये फिर क्या है और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर आप चोर नहीं हो, जनता का पैसा, तो इससे बढ़िया ये 15 लाख रुपए जो आपने पर्दे लगाए, ये 15 लाख रुपए जी आप गरीब लड़की की शादी करवाते और वो मीडिया में दिखाते तो हम हंसते चाहते जी आप बनने लायक हैं। अब तो आप बनने लायक कुछ बचे नहीं, अब तो मुझे ये लग रहा है दिल्ली की जनता भी, मुझे लगता है आपकी बारे में मुख्यमंत्री भी नहीं बनन देगी, वरना आपने MCD में हाल देखा ही होगा क्या रहा है आपकी बारे में। सर वो तो कहते हैं देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत है, अनपढ़ प्रधानमंत्री हम भी, मैं बताऊंगा मैं मानता हूँ ये पढ़े लिखे हैं, मगर इनकी सारी किताबें जो इन्होंने अब पढ़ी हैं, इन्होंने मेरे को लगता है उसकी पोर्टली बना दी है, गंगा जी में बहा दी है। क्यों थी? तो जब ये ऐसे ऐसे बयान देने लगे हैं, ऐसे ऐसे बातें करने लगे हैं कि इन्हें खुद ही नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ, वरना मान्य मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए आदमी तो ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। जैसे आपने पंजाब में करा, मान आपने मुख्यमंत्री बनाया, बहुत अच्छी बात है, सरकार आई बधाई है उसकी, मगर ये जो आतंकवाद फैला था अभी गुरमीत वगैरह ने जो ये चौथी थानों में घुस के खालिस्तानी मचाया था, क्या ये चीज़ ये संविधान खतरे में नहीं था? जब अमित शाह जी ने वहाँ से फोर्स भेज दी आर्मी, तो आप कह रहे हो अब हम गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो संविधान किसने खतरे में डाला? आप और बता दीजिए UP मॉडल में कोई हुआ हो, बल्कि सारे ढेर ही हुए हैं, कोई नया तो पनपा ही नहीं है ना, पनपा पंजाब में और जिसमें जी तुम वहाँ के मुख्यमंत्री हो, तो इनसे संविधान और ये चोर हो बात, ये चोर हैं, ये छोड़ो इन बात, मतलब आप कह रहे हैं कि जितने भी इकट्ठा हुए सारे के सारे चोर हैं, इनमें एक भी आप शरीफ बता दीजिए मुझे, या एक भी इनमें से तकरीबन 4-5 मुख्यमंत्री। मोदी जी डर गए हम सबसे, तभी सारे विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के पीछे ED लगा देंगे, किसी के पीछे CBI लगा देंगे। नहीं अगर ऐसी बात है, सुनिए, अगर ऐसी ED वगैरह की CBI की बात है तो उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इनका आजम खां कैबिनेट मंत्री था, उसके बेटे के पीछे तो नहीं लड़ाई, सिर्फ आजम खां के ही पीछे क्यों लड़ाई? विधायक थी तो उनके पास भी थी, उसके बेटे के पास, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत करे था उसके साथ संविधान मानते हैं, ये सब बराबर कानून मानते हैं, और ये कहते हैं हमें पिन देने हैं, तो इसका कोई इलाज नहीं है। दूर तक सोच भी नहीं है, ये विचार ही नहीं है कहीं तक, जो कोई विचार नहीं है, सब एक हो जाओ। पिछली बार भी एक हुए थे, कुछ नहीं हुआ, 5 सीटें और फालतू आएंगे भाजपा की, और फालतू आएंगे देश के अंदर। तो कह रहे हैं अब तो गए मोदी जी, हरा के ही मानेंगे सारे, 16 दल थे, 16 के 16 एक 116 भी होते तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, 116 भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब एक होता है ना, और सब समक्ष जनता का सबसे बड़ा मेन ये है कि एक जनता ये सोच रही है केवल भाजपा और मोदी जी ऐसी एक पार्टी है, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहाँ मोदी जी नेतृत्व करते हैं, वहाँ एक विकास करते हैं वो लोग, और बिगैर विकास ही कुछ नहीं है देश के अंदर, और सही तरीके से बात करते हैं और सही तरीके से बात करना भी जानते हैं और कराना भी जानते हैं। वो विपक्ष तो कह रहे हैं, जितने भी विपक्षी इकट्ठा हुए वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो देश बर्बाद कर रखा, हम बचाएंगे अब देश को। कभी कुछ पहले कुछ देखा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। आप आ जाइए, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवे आप देख सकते हैं, जाल है, कभी यहाँ था ही नहीं कुछ भी, तो विपक्ष कैसे कह सकता है कि कुछ नहीं करा? बहुत कुछ हुआ है देश के अंदर, इन लोगों केवल भ्रम फैला रहे हैं देश के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। बर्बादी से निकालेंगे देश को, ऊपर लेके आएंगे सारे मिलके। पिछली बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं ये शुभकामना दे रहा हूँ आपके चैनल से, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, और पहली शुभकामना दे रहा हूँ, और ये कुछ नहीं करेंगे, और आप देख ही रहे हैं, सब लोग आप जानते हैं कि इस टाइम जमीनी स्तर पर क्या काम है, इसके अलावा सब विपक्ष सब फेल है। ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार हैं, केजरीवाल, सब इकट्ठा हो गए भैया, आप कह रहे हैं मोदी जी तब भी आएंगे। ऐसा है, ये अपने अपने स्टेट देखें, अभी वहाँ ही नहीं कुछ कर पाए हैं, ये भी केंद्र की योजनाएं हैं इन सभी, बिहार के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, दिल्ली के अंदर, कुछ नहीं करें, जीरो फ्लॉप होंगे, ये अपनी अपनी सीटें नहीं बचा पाएंगे। यादव जी तो प्रदेश के नेता हैं, वो कहाँ प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, मेरे ये समझ नहीं आ रही, जिनसे अपना ही गढ़ नहीं संभाला गया।
अपना ही, तो इनमें से पहले डिसाइड तो करवाओ प्रधानमंत्री कौन है, जब ही तो जनता का रुख पता चलेगा किधर की तरफ जा रहा है। अभी तो ये आपस में ही आप देख लेना, इन्होंने गठबंधन तो करा है, अभी इनकी आपस में ही लड़ाई होगी और ये गठबंधन हो सकता है एक दो महीने बाद टूट भी जाए। क्योंकि वो कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो कहेगा मैं प्रधानमंत्री, जैसे यहाँ प्रदेश में कहते थे जब अखिलेश यादव की सरकार थी कि 3.5 मुख्यमंत्री हैं, यही फैसला नहीं कर पाए प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, देश में तो PM बनने था जब ये फैसला करेंगे, और कर भी लिया तो एक महीने बाद वो गठबंधन टूट जाएगा। तो ये सारे चोर हैं, सबको पैसे चाहिए, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कोई ममता बनर्जी हो, ममता बनर्जी से अपना बदलाव तो समझ नहीं रहा, रोज वहाँ हादसे हो रहे हैं, मैं रोज पढ़ता हूँ न्यूज़ में, रोज कोई ना कोई वहाँ हादसे हो रहे हैं, किसी की बिल्डिंगों पर कब्जे हो रहे हैं, उनसे अपना बदलाव तो समझ नहीं रहा, वो देश तो जब संभालेंगे। और कहाँ अब उनकी सुरक्षा में भी इतनी चूत हुई है, उनकी गलती की वजह से उन्होंने इल्ज़ाम तो लगाया था केंद्र पे ही, मगर हुई उनकी गलती की वजह से अब जो पाया गया था परसों, तो उनसे अपना तो संभल नहीं रहा, वो देश क्या संभालेंगे। लालू प्रसाद यादव हैं, कह रहे हैं कि मैं फिट हो गया हूँ, अब मोदी जी को फिट करने की बारी आ गई। उनका जवाब मेरे पास है कि उनसे ये कहिए पहले आप अपने मुकदमे तो संभाल लीजिए, आपके दामाद पे, आपके रिश्तेदारों पे, सब पे तो ED हैं, सारों के घर से रोज तो पैसे पकड़े जा रहे हैं, आप खुद सजा काट के आए हो, तो आप तो जनता कैसे प्रधानमंत्री बना लेगी जब आप खुद ही चोर साबित हो चुके हो। आप एक भी कुछ ऐसा बता दीजिए मुझे, आपने बिहार में कुछ अच्छा करा हो, एक भी चीज़ गिनवा दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर ही 50 चीज़ें उपलब्धियाँ नहीं मैं गिनवा रहा हूँ, तो फिर वो कैसे मान सकते हैं। मतलब ये तो पहले डिसाइड करें PM बनेगा कौन, तो ये गठबंधन मुझे नहीं लगता 2 महीने 1.5 महीने से ज़्यादा चल पाएगा।